टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बात करते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, बेस्ड ऑन पोजीशन या लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। थोड़ा समझिएगा मैंने क्या बोला, थ्रूआउट लेंथ ऑफ क्रोमोजोम में, थ्रूआउट लेंथ ऑफ क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर क्रोमोजोम पे कहां पर कौन से लोकेशन पर प्रेजेंट है। फोर टाइप के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एंटीलोसेंट्रिक बात ले चलते हैं। पहला क्रोमोजोम लिया मैंने मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। यहां पर सेंट्रोमियर मीडियम मिडिल में रहेगा, इसको हम मीडियल सेंट्रोमियर, मीडियल सेंट्रोमियर, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर सेंटर में रहेगा। थोड़ा समझिएगा मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम मैंने बोला सेंट्रोमियर लोकेटेड इन द मिडल ऑफ क्रोमोजोम, इन द मिडल ऑफ क्रोमोजोम। बताओ तो सही, जल्दी से बताओ, अगर सेंट्रोमियर क्रोमोजोम के सेंटर में लोकेटेड है तो क्या मैं बोल सकता हूं पी एंड क्यू आर्म का लेंथ इक्वल रहेगा। ठीक है, पी एंड क्यू आर्म्स हैव इक्वल लेंथ, हैव इक्वल लेंथ, समझिएगा प्लीज। सो यहां पर मैंने बनाया क्रोमोजोम जब सेंटर में प्रेजेंट है, ये मेटा जो है मेटाफेजिक क्रोमोजोम हो गया, या इसी को हम जो है कुछ ऐसा भी बना सकते हैं एनाफेजिक क्रोमोजोम के भी लैंग्वेज में हम बना सकते हैं, जहां पर पी एंड क्यू आर्म का लेंथ इक्वल हो। तो सेंटर में है सेंट्रोमियर, E हो गया P आर्म, E हो गया Q आर्म, E हो गया P आर्म, E हो गया Q आर्म, E यहां पर हो गया सेंट्रोमियर। दो डायग्राम में एक मेटाफेजिक डबल स्ट्रैंड क्रोमोजोम है, एक मेटाफेजिक और एक एनाफेजिक सिंगल स्ट्रैंड क्रोमोजोम, बताइए प्लीज। सो यहां पर आर्म का लेंथ इक्वल होता है, बता के ले चल रहा हूं मेटाफेजिक मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, आगे ले चलते हैं सब मेटासेंट्रिक। तो देखिएगा सेकेंड लिया मैंने सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम, इसको हम बोल सकते हैं सब मीडियल, सब मीडियल सेंट्रोमियर। क्या मैं नाम से डिफाइन कर दूं, सेंट्रोमियर प्रेजेंट अवे फ्रॉम द सेंटर, यहां पर मैंने बोला सेंट्रोमियर प्रेजेंट लिटिल बिट अवे फ्रॉम द, अवे फ्रॉम द सेंटर। अब मुझे बताओ अगर जो है सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा दूर चला गया तो पी आर्म थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्यू आर्म थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सेंट्रोमियर बेसिकली पी आर्म के लैंग्वेज में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ई है, कहां पर क्या है, यहां पर ई है पी आर्म और ई है क्यू आर्म, पी आर्म लिटिल बिट स्मॉल हो गया और क्यू आर्म लिटिल बिट लॉन्ग हो गया, क्यू आर्म और पी आर्म, ऐसा अगर बनाना चाहें सो ये पी आर्म हो गया और ये क्यू आर्म हो गया। तो समझिएगा प्लीज मैंने क्या बोला, ये यहां पर है सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर। ठीक है, सो क्या मैं बोलू पी आर्म लिटल शॉर्ट एंड क्यू आर्म लिटल लॉन्ग, सब मेटासेंट्रिक में पी आर्म थोड़ा छोटा क्यू आर्म थोड़ा बड़ा हो गया। बात आगे ले चल रहा हूं, थर्ड टाइप का क्रोमोजोम ले लेते हैं
एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। सेंट्रोमियर के लैंग्वेज में सब टर्मिनल सेंट्रोमियर, सब टर्मिनल सेंट्रोमियर, ठीक है। मैंने इसको डिफाइन किया, इसको जो एक्सप्लेन किया, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर प्रेजेंट जस्ट बिलो द टर्मिनस, जस्ट बिलो द टिप या टर्मिनल। अगर सेंट्रोमियर टिप के थोड़ा नीचे प्रेजेंट है तो क्या मैं बोलू पी आर्म मच मोर शॉर्ट हो जाएगा, क्यू आर्म मच मोर लॉन्ग हो जाएगा। सो ये है यहां पर क्रोमोजोम। द लोकेशन, द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, वो पहुंच चुका है जस्ट बिलो द टिप। कहां पर पहुंच चुका है? जस्ट बिलो द टिप, ठीक है। सो ये यहां पर पी आर्म, ये यहां पर क्यू आर्म। क्या मैं बोलूं पी आर्म मच मोर शॉर्ट, क्यू आर्म मच मोर लॉन्ग, मच मोर लॉन्ग। बात समझा? ठीक है, तो ये हो गया जो है एक्रोसेंट्रिक। नेक्स्ट क्रोमोजोम लेते हैं, फोर्थ क्रोमोजोम लेते हैं यहां पर टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम। सेंट्रोमियर के लैंग्वेज में टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल सेंट्रोमियर। डिफाइन किया व्हेन द सेंट्रोमियर लोकेटेड एट द टिप या टीलोमियर रीजन पर पहुंच जाए, ठीक है। सो यहां पर व्हेन सेंट्रोमियर लोकेटेड एट द टिप, एट द टिप ऑफ क्रोमोजोम। बताओ बताओ, अगर सेंट्रोमियर स्लिप होते हुए पहले मिड में था, मिड से थोड़ा ऊपर गया, टिप पर गया और टिप पर पहुंच चुका, तो क्या अब लेंथ ऑफ क्रोमोजोम दो आर्म्स में डिवाइडेड होंगे या नहीं? केवल एक ही आर्म विजिबल होगा। सेंट्रोमियर लोकेटेड एट द टिप ऑफ क्रोमोजोम, ओनली वन आर्म प्रेजेंट, ओनली वन आर्म प्रेजेंट, ठीक है। सो ये यहां पर हो गया, पहुंच गया टिप पर क्रोमोजोम सेंट्रोमियर। ये मेटाफेजिक क्रोमोजोम और एनाफेजिक क्रोमोजोम के लैंग्वेज में। सो सेंट्रोमियर एट द टिप, सेंट्रोमियर जो है टीलोमियर रीजन, टिप ऑफ क्रोमोजोम को तो टीलोमियर ही बोलते हैं ना, टीलोमियर रीजन पर पहुंच गया है, ठीक है। ओनली वन आर्म प्रेजेंट, ओनली वन आर्म विजिबल। तो बेस्ड ऑन लोकेशन सेंटर में है, मेटासेंट्रिक थोड़ा ऊपर गया, सब मेटासेंट्रिक टिप के नीचे गया, जो एक्रोसेंट्रिक और टिप पर लोकेटेड है क्रोमोजोम, तो हम उसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम बेस्ड ऑन। बात थोड़ा आगे ले चलते हैं। वेल ह्यूमन में, फीमेल में जो एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है वो सब मेटासेंट्रिक होता है, और मेल में जो एक्स वाई क्रोमोजोम होता है, एक्स क्रोमोजोम सब मेटासेंट्रिक और वाई क्रोमोजोम टीलोसेंट्रिक। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सब मेटासेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक को लेके, एक्रोसेंट्रिक को लेके। बाकी 46 क्रोमोजोम में कौन कौन सा क्रोमोजोम कौन कौन से टाइप में आएगा ये हमारे सिलेबस की बात नहीं है, ठीक है। तो टोटल 46 क्रोमोजोम है सर, बताइए ये क्रोमोजोम मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये वाला कौन सा, ये वाला कौन सा, ये हमारे सिलेबस की बात नहीं है। वेल थोड़ा जो है हाईलाइट करते हुए बात आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर ह्यूमन में, थोड़ा सुनो तो सही, ह्यूमन में टू कैटेगरीज ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट है। ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम, ह्यूमन में 23 पेयर या 46 क्रोमोजोम, ह्यूमन में 23 पेयर्स या 46 क्रोमोजोम्स, 46 क्रोमोजोम्स को
टू कैटेगरीज ऑफ क्रोमोजोम हम डिवाइड कर सकते हैं। 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम को हम सोमेटिक क्रोमोजोम ऑटोजोम बोलते हैं और 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम को हम सेक्स क्रोमोजोम ऑलोसोम नाम देते हैं। ठीक है, तो दो टाइप का, एक ऑटोसोम या सोमेटिक क्रोमोजोम, ऑटोसोम या सोमेटिक क्रोमोजोम, और दूसरा जो है एलोसोम या सेक्स क्रोमोजोम, एलोसोम या सेक्स क्रोमोजोम। यहां पर 22 पेयर्स क्रोमोजोम रिप्रेजेंट होंगे जो है ऑटोसोम, एंड इट इज सेम इन मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स एंड फीमेल्स 22 पेयर ऑफ क्रोमोजोम को लेके सिमिलर होते हैं। यहां पर 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम ऑटोजोम होगा, सुनिएगा, 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम एलोसोम होगा। मेल की बात करें तो ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम कॉर्ड एक्स एंड वाई, और ये जो है फीमेल की बात करें तो 1 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इट इज कॉल्ड एक्स एंड एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, ऑटोजोम, और ये जो है इसकी वजह से जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आता है, यही जो है सेक्सुअलिटी मेल और फीमेल में जो है डिफरेंशिएट करता है, बात की बात है। वेल, यहां पर मैं बोलना चाहूंगा ई है एक्स क्रोमोजोम, ई यहां पर है एक्स क्रोमोजोम और ई यहां पर है वाई क्रोमोजोम, एक्स और वाई क्रोमोजोम, ई यहां पर है एक्स क्रोमोजोम और ये है यहां पर एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, बोथ एक्स और एक्स क्रोमोजोम, नीड योर अटेंशन प्लीज। यहां फीमेल, ह्यूमन फीमेल में दोनों क्रोमोजोम, दोनों सेक्स क्रोमोजोम सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर एक्स क्रोमोजोम जो है सब मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक, और वाई क्रोमोजोम जो है ये एक्रोसेंट्रिक है। मेरे दिमाग में एक एग्जांपल चल रहा था, सो दैट थोड़ा क्लियर हो जाए कहां पर हमें मिलेगा। बाकी जो है ऑल द क्रोमोजोम्स में कौन कौन सा शेप होगा डज नॉट मैटर राइट नाउ। ठीक है, तो ये हो गया दो कैटेगरी क्रोमोजोम को लेकर। मुझे बताइए क्रोमोजोम में टेलोमियर का नंबर कहां से कहां तक रेंज हो सकता है? कनाइस से टेलोमियर, नंबर ऑफ टेलोमियर 2 to 4 हो सकता है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक में 2 टेलोमियर ऊपर, 2 टेलोमियर नीचे, 4 टेलोमियर होंगे, और टेलोसेंट्रिक में एक ही आर्म तो विजिबल होता है नीचे वाला, तो 2 से 4, पॉइंट समझा? तो नंबर ऑफ टेलोमियर मेंशन कर लेते हैं, नंबर ऑफ टेलोमियर्स, ठीक है, ये 2 to 4 हो सकता है। जैसे यहां पर अगर मैं काउंट करवाऊं तो यहां पर 4 हो गए, लेकिन यहां पर काउंट करवाऊं तो यहां पर केवल 2 ही होंगे। सो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या मैं बोलूं टेलोमियर 2 to 4 हो सकते हैं अगर नंबर ऑफ टेलोमियर एसोसिएटेड विद क्रोमोजोम आया तो? ठीक है, टेलोमियर, समझा कि नहीं? बात क्लियर है, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर यहां पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर यहां पर कंप्लीट हुआ। बात आगे ले चलेंगे, थोड़ा यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं। यहां पर मैंने लिया टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम, थोड़ा सुनिएगा, एक कॉलम में लिया टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स, दूसरे कॉलम में लिया स्ट्रक्चर, और तीसरे कॉलम में लिया मैंने शेप ऑफ क्रोमोजोम, और एक कॉलम में लिया आर्म रेशियो। आर्म रेशियो बेसिकली क्यू बाई पी हम लेते हैं, तो यहां पर हमने लिया आर्म रेशियो या क्यू बाई पी रेशियो ऑफ द क्रोमोजोम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूं, नीड योर अटेंशन। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम हम जो है मेटाफेज में स्टडी करते हैं, शेप ऑफ क्रोमोजोम ये एनाफेज में विजिबल होता है। एनाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप ऑफ क्रोमोजोम, ये मैं यहां पर भी बता रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको हाईलाइट करवाऊंगा। टाइप ऑफ क्रोमोजोम में मैंने लिया मेटासेंट्रिक, टाइप ऑफ क्रोमोजोम में मैंने लिया मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में देखिएगा यहां पर आर्म्स का लेंथ जो है इक्वल रहेगा, ठीक है, पी एंड क्यू आर्म का लेंथ इक्वल रहेगा। अब जो है मैं आगे बताऊंगा जो है एनाफेज में क्या होगा, अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर अटैच होगा।
अपोजिट पोल से सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर पर स्पिंडल फाइबर अटैच होगा और ये स्पिंडल फाइबर श्रिंक होकर क्रोमैटिड को खींचेंगे, क्रोमैटिड को अपोजिट पोल पर खींचेंगे। तो एनाफेज में क्या होगा, जब क्रोमैटिन या स्पिंडल फाइबर श्रिंक होगा तो क्या मैं बोलूं, ड्यू टू पुलिंग ऑफ क्रोमोजोम, डॉटर क्रोमोजोम या सिंगल क्रोमैटिड आर्म्स बेंड हो जाएंगे। देखिए तो सही, पी और क्यू आर्म का लेंथ इक्वल है तो यहां पर शेप कैसा होगा, वी शेप का होगा, वी शेप का होगा। और क्यू बाई पी क्या मैं बोलूं, वन होगा। यहां पर क्यू बाई पी, क्यू और पी का रेशियो एक है, इज इक्वल टू वन होगा। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा, अगर मैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम की बात करूं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम की बात करूं तो सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा दूर गया है, सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा ही दूर गया है। अगर इसको जो है हम स्पिंडल फाइबर के थ्रू जो है पुल करें ऊपर वाले क्रोमैटिड को ऊपर की तरफ, नीचे वाले क्रोमैटिड को नीचे की तरफ पुल करें तो क्या मैं बोलू आर्म्स हैंग करेंगे। एक आर्म जो है थोड़ा बड़ा दिखेगा, एक आर्म थोड़ा छोटा दिखेगा, समझा कि नहीं। थोड़ा देखिए, सेंट्रोम मैं जो है क्रोमोजोम को पुल कर रहा हूं स्पिंडल फाइबर से तो क्या मैं बोलूं, यहां पर एल शेप का शेप देखिए प्लीज, एल शेप का जो है हमें क्रोमोजोम दिखेगा। और क्यू आर्म जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, पी आर्म थोड़ा छोटा हो जाता है तो क्या मैं बोलूं क्यू आर्म थोड़ा बड़ा तो ये जो है मोर देन वन होगा। क्यू बाई पी रेशियो जो है क्यू बाई पी रेशियो मोर देन वन होगा। ठीक है, आई नीड योर अटेंशन, समझेंगे नहीं समझेगा तो फिर से हम रिमाइंड कर देंगे। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर टिप के नीचे पहुंच गया है, सब टर्मिनल लोकेशन पे है। अगर मैं यहां पर किसी थ्रेड के थ्रू काइनेटोकोर पर मैं थ्रेड चिपकाऊं और उस जो है क्रोमोजोम को पुल करूं तो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे, एक सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर जाएगा दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड नीचे आएगा। तो देखिए क्यू आर्म मच मोर लॉन्ग हो जाएगा, पी आर्म मच मोर शॉर्ट हो जाएगा। तो यहां पर शेप क्या मैं बोलूं, जे शेप का क्रोमोजोम दिखेगा, जे शेप का क्रोमोजोम दिखेगा। जो है क्यू आर्म मच मोर जो है लॉन्ग है और पी आर्म मच मोर शॉर्ट है तो क्या मैं बोलूं ये एक से भी ज्यादा रहेगा, मोर देन वन रहेगा। ठीक है, ये मोर देन वन, उससे भी ज्यादा रहेगा क्यू बाई पी। ठीक है, क्या मैं बोलूं हाईएस्ट आर्म रेशियो, हाईएस्ट आर्म रेशियो, हाईएस्ट आर्म रेशियो कहां पर हमें मिलेगा, हाईएस्ट आर्म रेशियो हमें एक्रोसेंट्रिक में मिलेगा। टीलोसेंट्रिक तो देखिए, टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम में एक ही तो जो है आर्म है, एक ही आर्म है, इस पर ही अगर हम जो है स्पिंडल फाइबर अटैच करें तो क्या मैं बोलूं मुझे जब दोनों जो है सिस्टर क्रोमैटिड को खींचा जाएगा तो एक सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर एक सिस्टर क्रोमैटिड नीचे, क्या मैं बोलूं यहां पर मुझे आई शेप का, आई शेप का जो है क्रोमोजोम दिखेगा। और यहां पर आर्म रेशियो की बात तो कर ही नहीं सकते क्योंकि एक ही आर्म प्रेजेंट है, क्यू बाई पी की बात ही नहीं कर सकते, बात समझा नहीं। सो इक्वल आर्म लेंथ है, वी शेप का है, आर्म रेशियो इक्वल है, जो है पी आर्म थोड़ा छोटा, क्यू आर्म थोड़ा बड़ा तो क्यू बाई पी जो है वन होगा, पी आर्म बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, क्यू आर्म बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो क्यू बाई पी सबसे ज्यादा जो है एक्रोसेंट्रिक में होगा। बताओ तो सही, एनाफेज में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी हाईलाइट करेंगे, एनाफेज में शेप ऑफ क्रोमोजोम, शेप ऑफ क्रोमोजोम बी एल जे और आई, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम में मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। एनाफेजिक क्रोमोजोम में स्ट्रक्चर एक सिस्टर क्रोमैटिड के नाम पर हम स्टडी करते हैं, वेल उसको साइड में कर दीजिए। एनाफेजिक क्रोमोजोम में एक सिस्टर क्रोमैटिड वाला क्रोमोजोम डॉटर क्रोमोजोम बोला जाता है। वेल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम अच्छे से हम जो है मेटाफेज में स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगर आर्म रेशियो की बात करें, आर्म लेंथ की बात करें तो मैं दो टाइप में क्रोमोजोम को डिवाइड कर सकता हूं। जहां पर दोनों आर्म्स का लेंथ इक्वल है उसको आइसोब्रैकियल क्रोमोजोम बोलेंगे, जहां पर आर्म्स का लेंथ डिफरेंट है इक्वल नहीं उसको हम हेट्रोब्रैकियल क्रोमोजोम बोल सकते हैं। थोड़ा इरेज करके आगे बढ़ता हूं मैं, समझिएगा थोड़ा। मैं एक और पॉइंट थोड़ा सा ले सकता हूं यहां पर, बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ आर्म्स,
दो टाइप के क्रोमोजोम मैंने यहाँ पर डिवाइड किए, एक है आइसोब्रैकियल क्रोमोजोम और दूसरा है हेट्रोब्रैकियल क्रोमोजोम। हेट्रोब्रैकियल क्रोमोजोम, आइसोब्रैकियल क्रोमोजोम हैविंग इक्वल लेंथ ऑफ पी एंड क्यू आर्म्स और हेट्रोब्रैकियल क्रोमोजोम में हैविंग अनइक्वल लेंथ ऑफ पी एंड क्यू आर्म। ठीक है, सो आइसोब्रैकियल क्रोमोजोम में एक ही क्रोमोजोम आएगा वो आपको पता चल गया है, केवल और केवल मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम आएगा क्योंकि मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम में सेंट्रोमियर सेंटर में लोकेटेड होता है की वजह से पी एंड क्यू आर्म का रेशियो सेम होगा, लेंथ सेम होगा। और यहां पर दो क्रोमोजोम ले सकते हैं, एक हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम और दूसरा जो है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम, टेलोसेंट्रिक की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर क्यू और पी दो अलग अलग आर्म्स हैं ही नहीं। बताइए प्लीज।